हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.7 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक 11th स्टैंडर्ड। इसका बेसिक कंसेप्ट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था स्टूडेंट, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। इसके लिए हमारा फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू m2 माइनस में m1 अपॉन 1 प्लस में m1 इंटू में m2। ये हमारे पास फॉर्मूला था किसका, एंगल फाइंड आउट करना है टू स्ट्रेट लाइन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टू लाइन्स हुज इक्वेशंस आर x प्लस में 2y प्लस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी है हमारी 3x प्लस वाई माइनस में 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, देन वहाँ से m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट है हमारी, इसके अंदर ये इक्वेशन है हमारी x प्लस में 2y प्लस में 9 इक्वल टू 0 है। यहाँ से 2y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस में 9, y किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 9 अपॉन 2। हेयर m1 क्या आ गया हमारा, माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई माइनस 3x प्लस में 7। यहाँ पे m2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस 3। दोनों m1 और m2 उठा के हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, देखो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, m2 माइनस m1 माइनस 3 माइनस में ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस में m1 माइनस 3 m2 है माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से tan थीटा किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ऊपर से हम LCM लेंगे, माइनस 6 प्लस में 1 माइनस 5 अपॉन 2, नीचे से 3 अपॉन में 2। नाउ tan थीटा आ गया हमारा माइनस 5 अपॉन 2, ये सोल्व करेंगे ये भी कितना आ गया, 5 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया, देन ये माइनस 1 बन गया, ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो 1। अब tan थीटा की किस एंगल पे वैल्यू हमारी 1 होती है, 45 पे, tan थीटा इक्वल टू tan 45, सो वैल्यू ऑफ थीटा इज 45। तो फर्स्ट केस में हमारा एंगल थीटा कितना आ गया, ये टू इक्वेशंस हमें गिवन थी, देन थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से, m1 एंड m2 की। ठीक है, m1 m2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारे पास थीटा कितना आ गया, 45। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट, ये जो सेकेंड पार्ट है वाई माइनस में रूट 3x माइनस में 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज रूट 3y माइनस में x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमने बेसिक वाली वीडियो में भी ये इसमें एंगल फाइंड आउट किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 3x प्लस में 5। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, रूट 3। यहाँ से रूट 3y माइनस में x प्लस 6 इक्वल टू 0, रूट 3y किसके इक्वल आ गया, x माइनस में 6, y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 3x माइनस 6 अपॉन में रूट 3। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 अपॉन में रूट 3। m1 इज रूट 3 एंड m2 इज 1 अपॉन रूट 3। फॉर्मूले में पुट करते हैं, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन में क्या आ गया, ये 1 प्लस में m1 m2, ये कैंसिल आउट हो गया। tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस में 3 अपॉन में रूट 3, नीचे 1 प्लस में 1 रह गया 2, देन माइनस 2 अपॉन में रूट 3 इंटू में 2, ये रह गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 अपॉन रूट 3 मॉडुलस से बाहर आएगा, देन 1 अपॉन में रूट 3। अब ये देखना है स्टूडेंट, 1 अपॉन में रूट 3 tan थीटा की किस एंगल पे वैल्यू होती है हमारी, tan 30 पे, सो वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। सेकेंड केस में हमारा थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। इन केस ऑफ फर्स्ट थीटा इज 45 डिग्री। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट सेकेंड, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 4, 5 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एंगल हमें कितना गिवन है, 45 डिग्री है विद द लाइन 2x माइनस वाई प्लस में 7 इक्वल टू 0।
ठीक है, हमें इक्वेशंस बतानी है उस लाइन की जो 4-5 से तो पास हो रही है, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जो इक्वेशन आएगी वो और इस लाइन के बीच में एंगल इज 45 डिग्री। तो मान लेते हैं हम स्टूडेंट उसका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका स्लोप क्या है, m है, और जो किससे पास हो रही है 4-5 से। देन हमने वन पॉइंट फॉर्म इसमें पढ़ रखी है, दैट इज y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस में x1। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे लेट m बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, हम स्लोप मान के चल पड़े इसका m। पॉइंट क्या है, पासिंग पॉइंट 4-5, पासिंग पॉइंट इज 4-5। नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस में x1, ये हमारी इक्वेशन होगी। तो इसमें y की वैल्यू 5 है एंड x की क्या है 4 है, y माइनस में 5 इक्वल टू m इंटू x माइनस में 4। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें क्या गिवन थी, 2x माइनस y प्लस में 7 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ से स्लोप क्या आएगा हमारा, यहाँ से मैं y को उधर लेके गई, देन 2x प्लस में 7, इसका स्लोप कितना आ गया 2। अब यहाँ से इसका स्लोप है m, तो यहाँ से क्या गिवन है हमें, दोनों के बीच का एंगल गिवन है, दैट इज 45। नाउ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दोनों से एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा किसके इक्वल होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस में m1 इंटू में m2। यहाँ से थीटा इज 45 डिग्री, 45 डिग्री हमें गिवन है, tan 45, m2 क्या है हमारा 2 है और m1 क्या है m, 1 प्लस में 2m, ठीक है, ये 1 के इक्वल हो गया, ये प्लस माइनस वैल्यू हो गई, एक बार प्लस लेंगे इसको एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास m की 2 वैल्यू जाएंगी। फर्स्ट मैंने 1 के इक्वल पुट किया इसको, 2 माइनस में m और 1 प्लस में 2m, एक हम पुट करेंगे माइनस लेंगे तो माइनस 2 प्लस में m अपॉन 1 प्लस में 2m, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने, ये 3m इक्वल टू 1, m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 1 अपॉन 3, यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 प्लस में m, तो ये m इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, देन m की वैल्यू ये आ गई हमारी -3। तो यहाँ तक हुआ है स्टूडेंट हमारा कि m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, एक केस में तो m माइनस 3 है, एक केस में m 1 अपॉन 3 है। अभी तो हमें इक्वेशन लिखनी है ना, बाकी यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 1 अपॉन 3, एक बार -3, देन इसके बाद हमारी क्या आएगी, ये इक्वेशंस ऑफ दी लाइन, ये नीचे है हमारा स्टेप 1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस में 2m है, ठीक है। अब m की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, देन दोनों इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्ट। तो m की वैल्यू एक बार मैंने 1 अपॉन 3 पुट की, नाउ y माइनस में 5 इक्वल टू 1 अपॉन 3, एक्स माइनस में 4, इक्वेशन क्या आ गई 3y माइनस में 5 इक्वल टू एक्स माइनस में 4, ये आ गई हमारी 3y माइनस में x और माइनस में 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड m इक्वल टू -3 है, देन y माइनस में 5 यहाँ पे पुट करेंगे हम, -3x माइनस में 4, y माइनस 5 इक्वल टू -3x प्लस में 12, ये इधर आ जाएगी y प्लस में 3x, -5 और माइनस में 12, -17 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आ गई, y प्लस में 3x माइनस में 17 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या गिवन था, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारा पासिंग पॉइंट गिवन था, ठीक है, एक हमें इक्वेशन गिवन थी, दोनों के बीच का एंगल गिवन था 45 डिग्री, तो हमने जो पासिंग पॉइंट है इसका स्लोप m मान लिया, तो इक्वेशन क्या होगी, ये हमारी वन पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ से m है, सेकेंड से m की वैल्यू 2 आ गई, अब दोनों के बीच में थीटा इज 45, देन tan थीटा का फॉर्मूला लगाए तो ये रिलेशन आ गया, प्लस माइनस का आएगा मॉडुलस हटाएंगे तो m की 2 वैल्यूज आ गई -3 और 1 अपॉन 3, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे m की, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट थर्ड, सॉरी स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखो मिस्टेक की है, 3 की मल्टीप्लाई इधर की थी, 3y माइनस में ये 15, ये कितना हो गया माइनस में 15 इक्वल टू एक्स माइनस
4, ये इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस में 11 बचेगा. तो ये इक्वेशन है हमारी 3y माइनस में x माइनस में 11. अब यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस 3y प्लस में 11 इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय. हमें किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, उसकी तीनों साइड्स हमें गिवन है. 3x plus y minus 1, x minus 3y plus 7 equal to 0, x plus 2y minus 8 equal to 0. तो तीनों से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, m1, m2, m3. अब यहाँ से पहले टू लाइंस के बीच में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल्स tan थीटा 1 मान लेंगे उसको. फिर फर्स्ट और थर्ड के बीच में करेंगे, वो क्या हो जाएगा, tan थीटा 2. फिर सेकंड और थर्ड हम 2 ही निकालेंगे, जो थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा. वी नो दैट सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो 2 आने के बाद 180 में से हम माइनस कर देंगे, तो इजीली हमारे पास थर्ड आ जाएगा. तो यहाँ से हम इसमें स्लोप फाइंड आउट करते हैं, ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस में 1. तो यहाँ से m1 कितना आ गया हमारा, माइनस 3. ये सेकेंड माइनस 3y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7. देन y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन माइनस 3 माइनस 7 अपॉन माइनस 3. ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 अपॉन 3. m2 कितना आ गया, 1 अपॉन 3. थर्ड है हमारी 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 8. y आ गया माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस में 8 अपॉन 2 4. यहाँ से हमारा m3 कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन में 2. m1 m2 m3. अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टू लाइन थी इनके बीच में एंगल बना रही थी, हमारे जो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, दैट इज tan थीटा 1. tan थीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 माइनस में m1 अपॉन 1 प्लस में m1 इंटू में m2. ठीक है, tan थीटा 1 हम फाइंड आउट करेंगे. m2 क्या है हमारा, 1 अपॉन 3. m1 क्या है, माइनस 3. तो ये प्लस हो गया, 1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन में 3. ये कितना हो गया, 1 प्लस में m1 इंटू में m2. तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये किसी के अपॉन में 0 आ गया, तो ये इन्फिनिटी आ गया. इन्फिनिटी किस एंगल पे होती है, थीटा 1. tan थीटा 1 किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के. और ये वैल्यू होती है 90 में. tan 90 इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो यहाँ से थीटा 1 हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री. नाउ tan थीटा 2 बी द एंगल बिटवीन 1 एंड 3, यानी कि m1 और m3 के बीच में मान लेते हैं, या m2 और m3 के बीच में. तो यहाँ से मैंने मान लिया tan थीटा 2, ये किसके इक्वल आ गया, m2 माइनस में m1 करेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस में माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में माइनस 3. तो ये सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये कितना आ गया हमारा, यहाँ से 1 अपॉन में 2 रह गया ऊपर, नीचे 1 प्लस में 3 अपॉन में 2. ये सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 नीचे बन गया 5 अपॉन में 2. कितना बन गया ये, 5 अपॉन में 2. लेकिन ये तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपॉन 5 बन रहा है. तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट एंगल फाइंड आउट नहीं हुआ. अगर हम ये दोनों, ये तो हमने यहाँ से एंगल फाइंड आउट कर लिया, अगर ये दोनों लेके चलते हैं, देन हमारा यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस में 1 अपॉन 3. नीचे आ जाएगा 1 प्लस में माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन में 3. ये सॉल्व होने के बाद ऊपर आ गया हमारा 6 माइनस 3 माइनस 2, यानी कि माइनस 5 अपॉन 6 और 1 माइनस 1 अपॉन 6. नीचे ये भी किसके इक्वल आएगा, ऊपर बन गया इसमें देखो हमारा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 अपॉन 5 बन रहा था तो इजिली हम निकाल नहीं सकते उसको. तो यहाँ से हम कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, tan थीटा 2 किसके इक्वल आ गया हमारा, ये 6 आ गया, तो माइनस 3 माइनस 2. नीचे आ गया हमारा 1 माइनस 1 अपॉन में 6. सॉल्व करेंगे, माइनस 5 अपॉन 6, नीचे से 5 अपॉन 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 बार आ जाएगा. 1 थीटा 2 कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री. थीटा 2 इज 45 डिग्री. थीटा 1 इज 90 डिग्री, थीटा 2 इज 45. हमें तो एंगल्स निकालने थे ट्रायंगल के. थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 3. 180 में से हम दोनों को माइनस कर देंगे, 90 प्लस में 45. ये कितना आ गया हमारा, 180 माइनस में 135. ये कितना आ गया फिर हमारा, यहाँ से ये 5 और यहाँ से 7, 45 डिग्री. तो टू एंगल्स हमारे 45 के, एंड थर्ड एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री. हमें तीनों एंगल्स ट्रायंगल के फाइंड आउट करने थे, जिसकी साइड्स हमें गिवन थी. तो टू साइड से हम, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में हम एंगल्स निकाल सकते हैं ना, यूजिंग tan थीटा.
तो ऐसे ही तीनों का पहले मैंने स्लोप निकाल दिया, फिर इन दोनों के बीच में टेन थीटा वन निकाल दिया, ठीक है, ऐसे ही फिर इन दोनों के बीच में मैंने टेन थीटा टू, तो यहाँ से थीटा वन आ गया, थीटा टू आ गया, थर्ड एंगल हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो सारे एंगल्स कौन कौन से आ गए, 45 एंड 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फोर्थ, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच पास थ्रू 4, 5 एंड मेक इक्वल एंगल्स विद द लाइंस। हमें इक्वेशंस ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है जिसका पासिंग पॉइंट इज 4, 5 और वो क्या है, इसके साथ इक्वल एंगल बना रही है, इस लाइन के साथ भी और इस लाइन के साथ भी, तो इसका हम m1 निकाल देंगे, यहाँ से m2 निकाल देंगे और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m मान लेंगे, ठीक है, तो इसका और m का और यहाँ से जो m निकल के आएगा स्लोप, वहाँ से हम क्या निकाल देंगे दोनों के बीच में एंगल, फिर वहाँ से m का और यहाँ से जो दूसरा m2 निकल के आएगा दोनों के बीच में हम क्या निकाल देंगे एंगल्स, वो क्या है इक्वल, उनको इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से पहले हम m1 और m2 फाइंड आउट करते हैं, 5x माइनस में 12y प्लस में 6 इक्वल टू 0, माइनस 12y इक्वल टू माइनस 5x माइनस में 6, y किसके इक्वल आ गया, माइनस 5 अपॉन माइनस 12x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से m1 आ गया हमारा 5 अपॉन में 12, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में 3x माइनस में 4y प्लस में 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4y किसके इक्वल आ गया, 3x प्लस में 7, y की वैल्यू आ गई 3/4x प्लस में 7/4, तो यहाँ पे हमारा m2 है वो कितना आ गया स्टूडेंट, 3/4, m1 क्या आया है हमारा 5/12 एंड m2 क्या आया है हमारा 3/4। नाउ यहाँ से हमें क्या करना है, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, m बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, और जो टेन थीटा वन है वो किस किस के बीच में मान लेंगे, यहाँ से जो स्लोप आया है ये और वहाँ से हमारा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है m, तो यहाँ से हम एंगल्स निकालेंगे इनके बीच में, टेन थीटा वन किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से m रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा, रिक्वायर्ड लाइन स्लोप, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m माइनस में 5/12, तो 1 माइनस में 5m/12, यहां से इसका क्या आ जाएगा फिर tan थीटा 2, m माइनस में 3/4 और 1 प्लस में 3/4m, दोनों का ये क्या है, इनके बीच में इक्वल एंगल्स है तो दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से आएगा ये m माइनस 5/12 और 1 माइनस में 5/12m इक्वल टू m माइनस में 3/4 और 1 प्लस में 3/4m, तो यहाँ से हम इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, प्लस माइनस, वैल्यू क्या आएगी हमारी इसकी, प्लस माइनस। सॉल्व करते हैं इसको, देखो आगे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, 12m माइनस में 5/12, नीचे से 12 माइनस में 5m/12, 12 से 12 कैंसिल आउट, यहाँ से 4m माइनस में 3/4, 4 प्लस में 3m/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल आउट, अब ये चीज इसके इक्वल आ गई, 12m माइनस में 5/12 माइनस में 5m इक्वल टू 4m माइनस में 3/4 प्लस में 3m, यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट, फिर से देखो एक बार हमने क्या किया है, यहाँ से इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया m1 और m2, फिर यहाँ से मैंने रिक्वायर्ड लाइन जो हमें लिखनी है इक्वेशंस ऑफ द लाइन, तो उसका स्लोप मैंने m मान लिया, उसका स्लोप m और यहाँ से m1 ये, तो m1 m2 इनके बीच में tan थीटा 1 निकाल दिया, ऐसे ही वो m स्लोप और ये सेकंड m2 इनके बीच में tan थीटा 2, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है, दोनों को इक्वल पुट किया, LCM लिया, ये आ गया हमारा, अब ये मॉडुलस वैल्यू हम ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस इसके इक्वल हम पुट करेंगे तो 12m माइनस में 5/12 माइनस में 5m, ये प्लस माइनस 4m माइनस में 3/4 प्लस में 3m, एक बार इसको हम प्लस के इक्वल पुट करेंगे और एक बार किसके इक्वल पुट करेंगे माइनस के, देखते हैं, अगर हम प्लस के उप व्हेन केस बनाएंगे, इसमें केस फर्स्ट 12m माइनस में 5/12 माइनस में 5m प्लस के इक्वल पुट करेंगे 4 प्लस में 3m, स्टूडेंट इसको आप सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देन हमारे पास आएगा m स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1,
ये रिलेशन निकल के आएगा विच इज नॉट पॉसिबल. एम क्या है हमारा? स्लोप है. ये तो किस में चला जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में. इसके ऊपर रूट लग जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल. फिर हम सेकेंड केस बनाएंगे, उसमें ये चीज हम माइनस के इक्वल पुट करेंगे. 12m माइनस में 5, 12 माइनस में 5m, ये माइनस के इक्वल पुट करेंगे तो 4m माइनस में 3 अपॉन 4 प्लस में 3m. ठीक है, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे, देन m की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 2 वैल्यू जाएंगी, एक तो 4 अपॉन 7, एक आएगी माइनस 7 अपॉन 4. क्या क्या वैल्यू जाएंगे स्टूडेंट m की हमारे पास? 4 अपॉन 7 एंड माइनस 7 अपॉन 4. अब इसका पासिंग पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, इक्वेशन लिख सकते हैं. नाउ पासिंग पॉइंट इज 4, 5, देन इक्वेशन क्या होगी? 1.4 वाई माइनस 5 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस में 4. यही होगी ना? तो m की वैल्यू हम एक बार 4 अपॉन 7 पुट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगी 4 अपॉन 7 एक्स माइनस में 4. ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 7 वाई माइनस में 35, 4x माइनस में 16. देन ये हो गया उधर जाके 4x माइनस में 7y माइनस 16 प्लस में 35 इक्वल टू 0. 4x माइनस में 7y ये कितना हो जाएगा यहाँ से? इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये 9, 2. ठीक है, प्लस का रहेगा, तो ये हमारी क्या आ गई? इसकी इक्वेशन 4x माइनस में 7y प्लस में 29. नाउ सेकंड करते हैं. सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है. देखो कितना आएगा यहाँ से? 19. अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम. सेकंड में हमें स्लोप क्या लेना है? माइनस 7 अपॉन 4. तो इसको रब कर रही हूँ मैं. यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन लिख देंगे. ये है हमारी इक्वेशन y माइनस 5 इक्वल टू m x माइनस में 4. स्लोप क्या है हमारा यहाँ पे? माइनस 7/4 पुट करेंगे तो ये आ गया माइनस 7/4 x माइनस में 4. ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 7x प्लस में 28. तो ये इधर आ जाएगा 7x प्लस में 4y, ये इधर आएगा तो माइनस 48 इक्वल टू 0. ये दोनों हमारी क्या आ गई? इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन. सिंपली हमने क्या किया है? दोनों के स्लोप को इक्वल पुट कर दिया था. वहाँ से m की 2 वैल्यू जाई. एक तो केस बना प्लस के इक्वल करेंगे तो m स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1 विच इज नॉट पॉसिबल. सेकेंड केस में अगर माइनस के इक्वल पुट करेंगे तो m की 2 वैल्यू जा रही है. ठीक है, पासिंग पॉइंट गिवन है 4, 5, देन 1.4 क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. एक बार m की 4/7 पुट कर दी, एक बार माइनस 7/4. देन इक्वेशंस आर 4x माइनस 7y प्लस में 19 इक्वल टू 0, और यहाँ से 7x प्लस 4y माइनस में 48 इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फिफ्थ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1. पासिंग पॉइंट इज 1, 1 पैरेलल टू दी लाइन. इस लाइन के पैरेलल होगा, और वी नो दैट पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? इक्वल. तो यहाँ से हम जो स्लोप निकालेंगे स्टूडेंट वही क्या होगा? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, क्योंकि वो लाइन क्या है? इसके पैरेलल है और पासिंग पॉइंट हमें गिवन है. देन इजिली हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन. तो यहाँ से 4x प्लस में 4y प्लस में 7 इक्वल टू 0. 4y इधर रखा माइनस 4x माइनस 7. y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एक्स माइनस 7 अपॉन 4. तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस 1. स्लोप क्या है हमारा? माइनस 1. नाउ स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज आल्सो माइनस 1. स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसका भी स्लोप क्या होगा? माइनस 1, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू द दिस लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन. ठीक है, तो यहां से इनका स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल. तो यहां से इसका स्लोप भी क्या हो गया? माइनस 1. पासिंग पॉइंट इज 1, 1. नाउ इजिली इक्वेशन लिख सकते हैं. इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस में एक्स वन. पासिंग पॉइंट 1, 1 है. ठीक है, m की वैल्यू क्या है? माइनस 1 एक्स माइनस में 1. तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 1, ये x इधर आ जाएगा x प्लस y माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. हमारी इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट? x प्लस वाई माइनस में 2 इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? जो लाइन पैरेलल होगी किसके? गिवन लाइन 4x प्लस 4y प्लस में 7 इक्वल टू 0. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा स्टूडेंट,
क्योंकि हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है, m निकाल दिया। अब जो इक्वेशन हमें लिखनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल। एंड पासिंग पॉइंट इज 1, 1, देन इसमें पुट किया तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन तक क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।